हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आप सबका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे। तो फिलहाल मैं हूँ धनबाद जंक्शन पे और मैं वापस जा रहा हूँ टाटा नगर। तो गाइस, आज मैं जो ट्रेन से ट्रैवल कर रहा हूँ उसका ट्रेन नंबर है 13301 सुवर्णरेखा एक्सप्रेस, जो चलती है धनबाद से टाटा। तो आज इसमें मैं ट्रैवल कर रहा हूँ जनरल क्लास में। तो चलिए अपने जर्नी को स्टार्ट करते हैं। और फिलहाल अपना डिपार्चर हो चुका है धनबाद जंक्शन से, बिल्कुल टाइम पे डिपार्चर हुआ है। 5:35 का डिपार्चर टाइमिंग था और एग्जैक्टली 5:35 पे ही डिपार्चर हुआ है अपना। तो गाइस, फिलहाल हम लोग 5:30 की ओर बढ़ते हुए। तो फिलहाल हम लोग हैं 5:30 के आउटर यार्ड में। बस 2 मिनट में हम लोग इंटर कर जाएंगे 5:30 के यहाँ। 5:30 में ट्रेन हमारी रुकी थी क्योंकि यहाँ से लोको रिवर्सल है, जो लोको आगे के साइड लगा वो सीधा पीछे के साइड लगेगा। और यहाँ से हम लोग बढ़ेंगे आगरा की ओर, आगरा जंक्शन की ओर।
बात बता दो गाइज, अगर आप झारखंड में ट्रैवल कर रहे हो ट्रेन से, तो आपको माउंटेन्स ये सब का व्यू काफ़ी देखने को मिलेगा, जो कि बहुत ही अच्छा लगता है देखने में, बहुत ही बेहतरीन व्यू सब रहता है ये पहाड़ का व्यू। तो गाइस फ़िलहाल हम लोग इंटर करते हुए आद्रा जंक्शन, यहाँ पे अपनी ट्रेन का 25 मिनट का हॉल्ट है और अराइव करते ही सरसत आ गई है हमारे प्लेटफॉर्म नंबर 2 पे आद्रा पुरुलिया पैसेंजर। तो गाइस 2 मिनट की देरी से अपना डिपार्चर हो चुका है आद्रा जंक्शन से, यहाँ पे भी लोको रिवर्सल था। आप देख सकते हो धीरे धीरे बारिश स्टार्ट हो गई है। हम लोग अनारा जंक्शन इंटर करते हुए और बहुत ही तेज बारिश हो रही है, आप देख सकते हो वहाँ का व्यू कितना तेज बारिश हो रहा है। तो गाइस हम लोग अब पुरुलिया जंक्शन इंटर करते हुए और पुरुलिया जंक्शन पड़ता है वेस्ट बंगाल के अंदर। अब हम लोग 15 मिनट के डिले के साथ पहुंच रहे हैं चांडिल जंक्शन।
गाइस अब हम लोग क्रॉस करने जा रहे हैं सुवर्णेखर रिवर, जो कि बहुत ही सुंदर रिवर है। और मतलब इस जर्नी को कवर करने का मकसद यही था कि ये रिवर आप लोग को अच्छे से दिखा सकूँ कि ट्रेन से ये रिवर का व्यू कैसा रहता है। तो बहुत ही अमेजिंग व्यू था ये वाला। तो गाइस आप लोग कमेंट सेक्शन में प्लीज़ बताइएगा कि आप लोग को ये रिवर क्रॉसिंग वाला व्यू कैसा लगा।